जयदीप नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड हाय एवरीवन दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त विदुस लादिया और ले आई चुकी हूं एक और निका जिया इंटरेस्टिंग जिया व्लॉग ते मैं तुसे सारे सुनाई रहा कि आज अस आए हैं उत्तरवैनी और आई गेस उत्तरवैनी का व्लॉग जो मैं तुसे तुहानू पहले भी जो इहदे उपर वीडियो बनाई थी और इहदे विच इक हिस्ट्री वो मेरे पहले व्लॉग तुसे लभी हैगी अगर तुसे नहीं देखिया तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन च देई नहीं तुसी जाइए देखी सकने बाकी अज अस इधर आए हैं तो इं ही आए हैं इंजॉय करने वास्ते शाम का टाइम है 4 बजे से अस घूमने आए हैं मेरी मम्मा उत्तरवैनी के जेड़े शिव मंदिर विच बड़ा ज़्यादा प्राचीन जेड़ा मंदिर है उत्थे अस खड़ोते हैं देखी सकने ये बड़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स नहीं आखी सकनी किले टाइप ने इत्थे बने दे और एक इंटरेस्टिंग जी चीज़ और दसनी है मैं तुसेंगी ये देखो ये जो है ना ये घंटी ये पांडवों के टाइम की बनी ये देख सकते हो आप अगर आपको ऊपर से दिख रहा हो ये देखो अगर ऐसा कहते हैं कि इस घंटी को अगर आप बार मारो ना ये 3 बार अगर वापिस आए तो आपकी जो भी विश है जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होती है लेकिन ये 3 बार मेरे को तो नहीं बजी क्योंकि इसे बजाना पॉसिबल है ही नहीं मतलब बहुत मुश्किल है पीछे देख सकते हो आप ये घंटी है वो और ये शिव मंदिर है ये है प्यारे से नंगी बाबा जी और वो दिखा है तुस वो दिखा है वो मेरी मम्मा तो उनकी सहेली तो उनके बच्चे और उतने पता नहीं क्या करा रहे उन्हें क्या लभी है उसे अस भी दिखने उनके को जाइए ये इनको है ना ये गुलाब का फूल जो है वो पसंद आया सो इन्होंने यहाँ से जो है इस गुलाब की टहनी तोड़ ली है घर लगाने के लिए सो मुझे यहाँ पे ना एक कमरा मिला है जिसके अंदर अगर आप देखोगे ना आप भी हैरान हो जाओगे इसके अंदर इतने ज़्यादा शिवलिंग है यहाँ में कोई बताने वाला नहीं है कि कोई बता दे कि ये कौन सा रूम है और क्यों इतने ज़्यादा जो शिवलिंग है इस कमरे के अंदर है तो मैं आपको दिखाती हूँ देखो इतना सही लग रहा है ये देखो कितने ज़्यादा शिवलिंग जो है इस रूम के अंदर हैं और ये क्यों हैं और किस लिए इतने ज़्यादा कैसे यहाँ पे आए ये तो मैं भी नहीं जानती क्योंकि यहाँ पे हमें कोई बताने वाला नहीं है बहुत ज़्यादा प्राचीन जो है ये कुआं है मुझे इधर मतलब अंदर जाते हुए भी डर ही लग रहा है देखो बहुत पुराना है ये यहाँ पे आई थिंक जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी ना तब मैं यहाँ आई मम्मी जा रही है मंदिर की ओर मामा हाय बोलो हाय यहाँ पे ना ये लगाई हुई है रस्सियाँ ये रस्सियाँ इसलिए लगाई हैं क्योंकि अंदर जो है शिवजी भगवान जी का मंदिर है और जो उनको जल चढ़ाते हैं ना तो वो जल जो है यहाँ से निकलता है और यहाँ से निकलता है उधर कैरी में जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि जो जल शिवजी भगवान जी के ऊपर चढ़ाया जाता है उसको जो है पार नहीं करते हैं सो इसलिए जो ये रस्सियाँ यहाँ लगाई हैं फिर हम यहाँ तक ही प्रदक्षिण ले सकते हैं उसके बाद वहाँ जो है नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ से शिवजी भगवान जी का जो जल है जो उनको चढ़ाया जाता है जो आपने देखा ये था शिव मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हो सबसे प्राचीन मंदिर जो है अगर उत्तरवैनी में कोई आए तो वो शिव मंदिर है और भी बहुत सारे मंदिर हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे ना ये झूले वगैरह भी है अगर बच्चे आएंगे तो बच्चे आना चाहें तो वो यहाँ पे झूले झूल सकते हैं मैं आपको झूले भी दिखाती हूँ और ये मंदिर देखो कितना ज़्यादा प्यारा पुराने पुराने महल टाइप भी किले भी हैं वो भी हम आपको बताएंगे चलिए
मेरे साथ है भूमि जो कि मेरी मम्मा की फ्रेंड की बेटी है। सो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? किले देखने। चलो हम आपको बताएं कि यहाँ पे ना ऐसे महल टाइप है और ये थोड़े से किले किले लग रहे हैं। ये देखो यहाँ पे ये ऐसे लग रहा है क्योंकि पुराना पुराने राजा महाराजा यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे अभी कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन आइए इसके अंदर में बिस्तर भी लगाए हुए हैं किसी ने। आपको दिखाते हैं, आपको इस नेट से दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? थोड़ा पास जाओ ना उसके, बिल्कुल नेट के पार ही कर दो अपना कैमरा। जो था ऑफिस है कोई जीरो ऑफिस हो गया, ये कोई ऑफिस बना दी हुई शायद पहले यहाँ पे कोई किले विले होते होंगे। अभी ऑफिस बना दिया, ऑफिस ऑफ द किसी ट्रस्ट का ऑफिस है ये। और यहाँ पे बड़े बड़े ताले भी लगाए हैं, सो हम इसको खोल के आपको बता नहीं सकते, लेकिन हाँ आगे जाते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या। तो वो ना वो खुशी का कहना है, यहाँ पे अमरूद लगे हैं, आप तोड़ के खा सकते हो। खुशी में फोटो थोड़ी चाहिए। एक चीज दसा दसे सारे कि अगर जो डोगरे उन्हें पता चल गया ना कि ये के चीज है। खुशी क्या बोलते हैं इसको, पता है? वंश तू जगह था तो ये जो है ना ये डोगरों की स्पेशल, जिसमें हमारी जो शादी ब्याह में जो खाने वाले बनते हैं ना दाम जिथे बनती है तो इसी आखते दान, ठीक है? तो ये दान है, दान जो है खाना बना जाता है यहाँ पे, जो लंगर वंगर लगता होगा तो उसके लिए दान होता है। एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ भी है, देखो एक ये है इसी आखते कद्दू यानी कि पम्पकिन, जिसका बनता है अंबल। कद्दू भी इधर है, दान भी इन्हें कड्डी दी है तो मन कर रहा अंबल बनाई लैचे। चलो आगे दिखने आगे के लिए। सो इधर बड़ी डरावनी सी ये, इधर से खुला है सब दिखा सकते हो इधर। ये बड़ी डरावनी है जहाँ हम पहुंचे, देखो पीछे हमारे जो है ये मुझे लग रहा है कोई पुराने राजे महाराजे थे रहने। यहाँ पे एक चीज और दिखी हमें, ए है चुल्ल, इसे आखते चुल्ल, इहदे विच बनदी रोटी, इसे आखते चुल्ल। इधर पता नहीं कौन अंदर है कौन नहीं, डरावना लगा सानू अंदर जाते भी डर लगा। तो इधर लकड़ियाँ शकड़ियाँ रखी दी, बाकी ये मंदिर है, बाकी ये मंदिर है। खुशी कितना मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। कितना अभी आ ही गया। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? घर पे। अभी हमने एक और मंदिर जाना है, यहाँ पे एक और मंदिर है। ये देखो मेरा स्लाइड लेने का बहुत मन कर रहा है, वैनी आए। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये लोग नहाए ना, क्योंकि यहाँ पे जो फेमस जो चीज है ना वो यही है कि यहाँ पे नहाने के लिए लोग आते हैं, अपने जेडे पाप होंगे ना इतने आइए तो आते हो। तो यहाँ पे आई थिंक वो जो उनके वो होते हैं पीछे वाले पूर्वज, उनको पिंडदान वगैरह भी यहाँ पे होते हैं। तो वही वाली जगह पे मैं जा रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी ना आप देख लेना, उसमें मैंने सब कुछ बताया है कि कैसे कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ है। और ये मेरी मम्मा उनकी फ्रेंड, हाय कर दो हाय। तो अभी हम जा रहे हैं और बताते हैं आपको कि, और ना ये जो गंगा मैया जहाँ से बहती है ना इसको नाम दिया है गुप्त गंगा, इसे आपसे गुप्त पीछे देख सकते हो आप, वो जो आपको नदी दिख रही है उसको गुप्त गंगा बोलते हैं। और गुप्त गंगा इसलिए उसको बोलते हैं बिकॉज वहाँ पे जो गंगा मैया है, अगर आप कहीं पे भी वहाँ पे कहीं पे भी आप खोदोगे ना रेत को, तो आपको पानी जो है वो अपने आप बीच में से निकलता आ जाएगा। तो इसलिए उसको गुप्त, क्योंकि वो गुप्त बहती है, वो दिखती नहीं है, इसलिए उसको गुप्त गंगा भी कहा जाता है। और ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं बहुत ब्यूटीफुल है। चलिए गुप्त गंगा के पास। मैं आपको बताया कि यहाँ पे जो है गुप्त गंगा बहती है, तो ये जो आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा पानी दिख रहा है, तो जो भी हमें नहाने आता है ना पहले उसको खोदना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है वो पानी जो खुदाई करके निकलता है, फिर उसके साथ नहाना है। और खुशी नहाने जा रही है ना खुशी, तो खुशी ने पहले पानी खोदना है ना, ठीक है? तो खुशी पानी खोदेगी तो मैं आपको बताऊंगा। गुप्त गंगा है ये, पहले जहाँ दूध बहता था जब सतयुग था
तो हमने सुना है कि पहले एक जो गुज्जर वगैरह होते हैं उन्होंने चाय बना दी थी दूध की। अच्छा। तब से यहाँ से पानी बहता है, लेकिन पानी नीचे बहता है, इसे खोदोगे और पानी निकलेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बहता है ना? ऐसे थोड़ा थोड़ा बहता है, ऊपर थोड़ा थोड़ा दिखता है, लेकिन नीचे ये गंगा की बहन है, ये उत्तर वैनी नाम है इसका, गंगा की बहन है, उत्तर की तरफ बहती है। पता चल गया है कि इसका नाम जो है वो उत्तर वैनी क्यों है, क्योंकि उत्तर दिशा की तरफ जो है वो बहती है, इसलिए उत्तर वैनी जो है इसका नाम है। जहाँ पे हमने आपको गंगा दिखाई, गंगा मैया की जो नदी है वो दिखाई, उसके साथ ही हमें एक और मंदिर दिखाई। देखो यहाँ पे तो मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये बहुत प्यारा मंदिर है, शिव जी भगवान जी का मंदिर है। और देखिए मंदिर कितना प्यारा है, और अंदर जाके आपको दिखाती हूँ, शिव जी भगवान के यहाँ से भी दर्शन करा देती हूँ आपको। ये देखिए ये बहुत प्यारा है, तो ऐसा नजारा है और बहुत प्यारा लग रहा है ये नंदी बाबा। और यहाँ ओ उधर से हम आए, वो गाड़ी दिख रही है, ओ ये है पानी गंगा मिया, और ये सूरज पानी में दिख रहा है। है उत्तर वैनी, और ये आपको जो दिखती है ये सारी गंगा मैया जो कि गुप्त गंगा उत्तर दिशा में बहती हैं। और ये देखिए ये सारा नज़ारा है, और वो जो गाड़ी दिख रही है ना वहाँ जाना है हमें। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना ये उत्तर वैनी की मेन मार्केट है, यहाँ पे जब मेला लगता है ना तो बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं है। और यहाँ पे हम रुके हैं पकौड़े खाने। तो हमारा आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और अगर आप उत्तर वैनी आए हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यही था व्लॉग, अब दो इजाज़त, इसलिए जय डुग्गर जय माडोगरी जय हिंद जय भारत।